मित्र बड़ी उम्मीद की निगाहों से आपको देख रहे हैं, अनुदेशक ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। मिश्रा जी, मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं कि जब भी हम लोग लखनऊ आएंगे, इनका डेलीगेशन या इनकी चीजें लेके मंत्री से बात करके और उनकी जो संभव मदद हो सकेगी करेंगे, उसमें कोई फैन बट नहीं है। और आपकी इस लड़ाई में जहां आपने मुझे जिम्मेदारी दी और जब भी आपने मुझे बोला, आज आपने मुझे बोला डिबेट में बैठना है, मैं बाहर था, रात ही लौट के आया और तुरंत आगे दो चीजें छोड़ के डिबेट में बैठा हूं मैं। तो आप मेरे भाई हैं, ये सब लोग मेरे भाई हैं, ये मेरा परिवार है, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा और पार्टी के हिसाब से भी करूंगा और व्यक्ति के हिसाब से भी करूंगा, इसमें कोई फन बट नहीं है जी। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय सिंह जी, लक्ष्मी जी, विक्रम सिंह, अतीक जी, सुरेंद्र सर और प्रेम जी का बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। कल फिर 8 बजे हाजिर रहूंगा। मुद्दा यही होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का स्तर कैसे बढ़े, कैसे शिक्षा मित्र का परिवार चलेगा, कैसे ग्राम प्रहरी का परिवार चलेगा, कैसे अनुदेशक का परिवार चलेगा, कैसे चलेगा इस आम जनता का परिवार। महंगाई है बहुत ज्यादा, इस महंगाई में कैसे रोटी बनेगी, तब आपका चूल्हा जलेगा, तब रोटी बनेगी, तब वो रोटी खाएंगे, तब आप काम करने के योग्य बनेंगे। कैसे आए रोटी की व्यवस्था, रोटी की लड़ाई है और रोटी की लड़ाई में आइए, सब मिलकर लड़ते हैं, मांग करते हैं सरकार से और सरकार हमारी मांगे मानेगी। मैं मनोज जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं, मनोज जी बहुत पॉजिटिविटी से बात रखते हैं, पॉजिटिविटी से बात करते हैं और यही एक हमारी ऊर्जा है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं उस शिक्षा मित्र को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके माँ बाप को लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भगवान इतनी हिम्मत दे कि वो ये दुख सहे, उनके बच्चों के लिए भी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी भगवान इतनी सद्बुद्धि दे, वो अपना नेक चले। उन बच्चों के लिए अगर मेरे लायक कोई सेवा हो, उदय सिंह बताएं, मैं उनके एडमिशन से लेके या शिक्षा से लेके संबंधित कोई भी व्यवस्था होगी तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, उनकी आर्थिक मदद कराने का भी प्रयास करूंगा। आप मुझसे जरूर संपर्क करिए, मैं पूरी तरीके से इस राज्य के उन पीड़ित, शोषित, वंचित सभी संविदा कर्मी, सभी बेरोजगारों के साथ खड़ा हूं, जब तक जीवन है साथ खड़ा हूं। इसी के साथ विदा लेता हूं, नमस्कार।